हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक बार फिर से। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा क्रिकेट प्रेडिक्शन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे द 100 मैंस कंपटीशन 2024, यानी जो द 100 लीग होती है, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं सभी क्रिकेट प्रेमी। एक बहुत अच्छी लीग होती है, उसके बारे में, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे एडवांस मैच प्रेडिक्शन, तो देख लीजिए किस तरीके की ये लीग होने वाली है, सब कुछ मेंशन करा है। और दोस्तों एक चीज बता देता हूं आपको, हम आपको इस वीडियो में सारा बताएंगे कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन सी विंग है, वीक है, और कहां कहां कौन कौन से वेन्यू पर मैच खेले जाएंगे, और ये 2024 की द 100 मैंस कंपटीशन कौन जीत सकता है, पूरा आपको यहां पर बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है, बने रहना है वीडियो में। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिस भी भाई ने अभी सब्सक्राइब नहीं करा है, और बेल आइकन भी जरूर ऑन कर देना नोटिफिकेशन, जिससे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो अब हम बात करेंगे सीरीज के बारे में। देखो दोस्तों, ये सीरीज 23 जुलाई से स्टार्ट होगी और ये 18 अगस्त तक चलेगी, यानी समथिंग वन मंथ की ये सीरीज है, यानी 25 दिन लगातार आपको इसमें मैच देखने मिलेंगे। और इसके जो मैच होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं द 100 क्या है। देखो द 100 में ये होता है कि 100-100 बॉल खेलनी होती है एक टीम को। फर्स्ट टीम भी 100 बॉल खेलेगी, सेकंड भी 100 बॉल खेलेगी, लगभग 16 ओवर के आसपास का ये मुकाबला होता है, ठीक है। लेकिन ओवर से ही काउंट नहीं होता है, ये बॉल से काउंट होता है। और अगर ओवर इसमें मान के चले तो 5 बॉल का एक ओवर इसमें होता है, इस तरीके से ये लीग होती है। अब टाइम की बात करते हैं, भारतीय समय अनुसार इसका जो टाइम टेबल रहेगा दोस्तों, वो रहेगा शाम 7:30 बजे, कुछ मैच होंगे रात 10:30 से, कुछ होंगे 11 से। तो 11 से भी जो मैच होंगे वो 1 बजे तक फिनिश हो जाएंगे, जो 10:30 से होंगे वो 12:30 तक, जो 7:30 से होंगे वो 9:30 तक, ठीक है। तो एक अच्छे टाइम पर ये मुकाबला है, जिससे सभी लोग आप और हम मिलकर मैच देख सकते हैं। अब इसमें टोटल देखो 8 टीम भाग ले रही है और 8 वेन्यू पर ये सीरीज खेली जाएगी, और 34 यहां पर मुकाबले होंगे, यानी 30 मैच लीग के होंगे और 4 मुकाबले जो होंगे वो क्वालिफायर और फाइनल होंगे। दोस्तों आप सबसे जरूरी चीज है हमारा टेलीग्राम चैनल, देखो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम का लिंक आपको हमने बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा व्हाट्सअप नंबर, जिसको आप जितना सभी जानते हैं, सिर्फ एक ही व्हाट्सअप नंबर है, 84 47 93 53 97। इस नंबर को लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिस भी भाई के पास नहीं है, मोस्टली सभी के पास है, मेरे पास सबके मैसेज आते हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर आपके काफी काम आएगा, ये अभी काम नहीं आएगा, ऑल ओवर जब भी जितनी भी सीरीज चलेंगी सबको काम आएगा। एक तरीके से और भी ये काम आ सकता है नंबर की, किसी को भी हमारे टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल पा रहा है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना, हम आपको वहां भी टेलीग्राम ज्वाइन करवा देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस लीग के टीम एंड की प्लेयर्स के बारे में, टीम और की प्लेयर्स के बारे में, कि कौन कौन सी टीम है और क्या क्या की प्लेयर्स यहां पर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले है बर्मिंघम फोनिक्स, इसमें देखो वैन डुकैट है, विल स्मिथ है, लियाम डॉनसन है, मोइन अली है, क्रिस बोक्स है, जेम्स स्मिथ है, नसीम शाह, जेम्स फुलर, एडम मिलने, अच्छी टीम है बर्मिंघम, अच्छी टीम है। थोड़े चेंजेस हुए हैं, एक दो, पहले शादाब खान भी थे शायद इसमें, लेकिन अभी नहीं है। और दूसरी टीम हमारी लंदन स्प्रिट, सिमरन हेटमेयर है, जैक ट्रैवली है, एंड्रू रसेल है, एडम रोसिंगटन है, माइकल काइल पेपर है, डैनियल लॉरेंस है। यहां तक आपको नाम देख के पता चल गया होगा कि बहुत ही हिटिंग वाली टीम है ये, मतलब चलेंगे तो सारे चलेंगे, और अगर आउट होने पर आए तो बहुत जल्दी आउट भी हो जाएंगे, मतलब T20 स्पेशलिस्ट जिसे बोलते हैं वो बल्लेबाज इसमें है। इसके बाद बॉलिंग में नाथन एलिस है, रिचर्ड ग्लीसन है, बॉलिंग में भी इनकी गेंदबाजी भी ठीक है। अब तीसरी टीम आती है वेल्स फायर, तो वेल्स फायर के बारे में देख लीजिए, ग्लैन फिलिप है, टॉम अवेल है, जॉनी बैरिस्टो है, टॉम कैडमोर है, जो क्लार्क है, डेविड विली है, साहिन साफरीदी हैं, हैरिस रॉफ हैं और बैन डेम्बर्फ हैं। देखो टीम तो ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर इनका प्रदर्शन देखा होगा आपने, इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। तो देखते हैं इस बार किस तरीके से ये टीम परफॉर्मेंस करती है। अगली जो टीम है, टीम नंबर 4, ये है आपकी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इसमें है वैन मैडसन, जॉस बटलर, फिलिप साल्ट, पॉल वॉल्टर, सिकंदर रजा, जेमी ओवरटन, टॉम हार्टली, फजल फारूकी और उसामा अमीर। देखो ये टीम अकेली ऐसी टीम है जो 2 बार रनर अप रही है, यानी कि 3 सीजन हुए हैं अभी द 100 के, और 2 बार ये फाइनल में पहुंची है और फाइनल में हारी है, ठीक है ना। तो अच्छी टीम है। अब बात करते हैं ओवल की। देखो ओवल की टीम लास्ट की कप विनर रही है, यानी 2023 में ये जो कप उठाया था द 100 का, ये ओवल ने उठाया था, आपको याद होगा, मैनचेस्टर को हरा के, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसमें डेविड मलान है, अच्छी फॉर्म में थे लास्ट ईयर, विल जैक है, बिल जैक का खेल आपने देखा होगा, आरसीबी की तरफ से खेले थे, टॉम लेमनी है, बहुत तेज खेलते हैं, सैम करन, टॉम करन, दोनों भाई इस टीम में हैं, जॉर्डन कॉक्स हार्ड हिटर हैं, सैम बिलिंग्स हैं, तो टीम बहुत अच्छी है, एडम जंपा हैं, इन स्पेंसर जॉनसन हैं। लेकिन मेरी इस टीम के लिए थोड़ी सी राय इस बार अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, वीडियो आप पूरा देखें। अगली जो टीम आती है, ये टीम है ट्रेंट रॉकेट्स, अच्छी टीम है ये, एलेक्स हेल्स, एडम लिथ, रोमन पावेल, टॉम वॉन्टन, इमाद वसीम, राशिद खान, सैम हैन, लुइस ग्रॉसरी, लुकवुड। आपको टीम देखकर लग रहा होगा कि टीम अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, ठीक है ना। तो ये टीम अच्छा खेलती है, आज के भी अच्छा खेलती थी। अब बात करते हैं हम जो 2021 में ये स्टार्ट हुआ था, जो पहली कप विनर टीम रही थी द 100 लीग की, वो थी साउथन ब्रेव, ठीक है ना, साउथन ब्रेव। इसमें डीकॉक भी थे पहले, याद होगा अगर आपको, जो लोग सब लोग देखते हैं पहले से। इसमें है अभी जेम्स विंस, लुस डुपली, फिलैनल, लॉरी इवेंस, करन पोलार्ड, क्रैग ओवरटन, जोफा आर्चर, टाइल मिल्स और अकीला हुसैन। देखो टीम ठीक ठाक है,
बाकी डिपेंड करता है कि 100 गेंदों के मैच में कौन किस तरीके से खेलता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा अभी इनके बारे में थोड़ा सा डीपली। अभी मैं सिर्फ आपको की प्लेयर्स बता रहा हूँ इन टीमों के, और ऐसा नहीं है सिर्फ यही प्लेयर है, तो मैंने 8-8, 9-9 प्लेयर दिए हैं, और भी प्लेयर्स हैं, 16-16, 17 टीम प्लेयर्स लेके चलती है, स्क्वाड लेके चलती है, उसमें से 11 प्लेयर खिलाती है। अगली जो टीम है वो है नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसमें हैरी ब्रूक हैं, मैथ्यू शॉर्ट हैं, वैन स्टोक हैं, एडम हॉस हैं, डैनियल सैम्स हैं, निकोलस पूरन हैं, आदिल रसीद हैं, रिच टोपली हैं, वेडिंगकर्स हैं, ठीक है ना। टीम ठीक है बट मुझे नहीं लगता ये थोड़ा बहुत अच्छी ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगी टॉप लेवल की, उसका रीजन क्या है वो आपको बताऊंगा मैं वीडियो में जब इनका मुकाबला होगा। अब हम बात करते हैं वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट के बारे में। देखो ये जो टॉपिक है ये आप पूरा देखना बिल्कुल बिना स्किप करें, ये अगर आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस वेन्यू पर किस तरीके के मुकाबले होंगे, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। सबसे पहले ट्रेंटविच नॉटिंगम ये शहर में होगा, ट्रेंटविच जो क्रिकेट ग्राउंड है वो यहाँ वेन्यू है पहला। इसमें एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का रहता है 170 रन। अब ये मैं सोचना था 100 में 170 है, ये T20 डोमेस्टिक के रिकॉर्ड है, ठीक है 170, तो ये मान के चले कि यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच है और स्पिनर्स कम्स इन टू प्ले इट दिस वेन्यू, यानी यहाँ पर स्पिनर को थोड़ी हेल्प मिलती है और कटर बॉल हेल्प फॉर द बॉलर्स, यानी जो कटर स्लोअर कटर बॉल को होती है, ठीक है ना, मैं प्रॉपर फास्ट की बात नहीं कर रहा, जो कटर बॉलर्स होते हैं ठीक है ना, जो कटिंग कराते हैं बॉल को, वो यहाँ पर हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद है अगला सोफिया गार्डन्स कार्डिफ का जो मुकाबला है, इसमें एवरेज स्कोर है 159 रन, ठीक है ना, ये लो स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ पर आपको 125 पर भी 100 गेंदों के मुकाबले में अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, लो स्कोरिंग ग्राउंड है, बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन यहाँ पर रहती है। अगला जो हमारा वेन्यू है ये है लॉर्ड्स, सभी जानते हैं लॉर्ड्स का लंदन में ये वेन्यू है, एवरेज स्कोर है यहाँ का 174, बैटिंग फ्रेंडली है और इट हेल्प फॉर सीमर्स, यानी फास्टर को भी हेल्प मिलेगी यहाँ पर, इफ बैटर सेटल द इजी टू प्ले है, यानी बल्लेबाज सेटल हो जाता है यहाँ पर तो अच्छे शॉट मार सकता है, खेलना बहुत आसान रहता है, बैट्समैन स्ट्रगल करता है इन द स्टार्टिंग में एंड फास्ट बॉलर गेट स्विंग, फास्ट बॉलर स्विंग को प्राप्त करता है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगले वेन्यू की, ये हमारा हेडिंगले लीड्स, जो चौथा वेन्यू है वो लीड्स में है, इसमें एवरेज स्कोर 181 है भाई, तो देख लो आपको ये अच्छा और मतलब और हाई स्कोरिंग हो गया, आपको 140 भी मिल सकता है, 145 और 150 तक स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा कभी कभी यहाँ पर 100 गेंदों के मुकाबले में 100 में। पिच इज फ्लैट एंड ग्रीन मच, तो क्लियर है यहाँ पर, दिस पिच इज हेल्पफुल फॉर बॉथ, यानी यहाँ पर बैटिंग को भी हेल्प मिलेगी और बॉलिंग को भी हेल्प मिलेगी। टॉस विनिंग टीम वांट्स बैट्स फर्स्ट, यहाँ पर टॉस भी कोई भी टीम जीते पहले यहाँ पर बैटिंग करना पसंद करेगी और ताबड़तोड़ रन बनाना कर अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगाना पसंद करेगी। अगला वेन्यू है द लोज वॉल साउथ फ्रम, इसमें एवरेज स्कोर है 162 रन। द पिच एट द रोज वॉल ऑफर ए बैलेंस सरफेस, यहाँ की जो पिच है वो एक बैलेंस सरफेस है, ये बॉलिंग को भी मदद करती है और बैटिंग को भी करती है लास्ट वेन्यू की तरह। अगला हमारा आता है पांचवा वेन्यू एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफोर्ड, मैनचेस्टर सिटी में है ये ग्राउंड, यहाँ पर एवरेज स्कोर है 164 रन, इट्स अ गुड फॉर बैटिंग बट विल द टेक स्पिन लेटर इन द गेम, ये पॉइंट आप ध्यान से देखें, यहाँ पर बैटिंग को मदद है लेकिन जैसे जैसे गेम बढ़ेगा स्पिन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगला जो हमारा वेन्यू है दोस्तों ये है हमारा एजवर्टन बर्मिंगम में, इसमें एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का है 163 रन, इट्स बैटिंग फ्रेंडली पिच, नॉट मच स्विंग, बहुत ज्यादा स्विंग नहीं है, नो रिवर्स स्विंग, रिवर्स स्विंग भी यहाँ पर नहीं मिलती है, नो सीन मूवमेंट, मूवमेंट भी नहीं है सीन का, नो बाउंस एंड नो पेस, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट माना जाता है, लेकिन अगर आप सही टब्बे पर गेंद कराते हो यहाँ पर सही लाइन लेंथ पर कराते हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्पीड के पीछे नहीं भागते हो तो आप बल्लेबाज को आउट कर लेते हो आसानी से। अब बात करते हैं लास्ट वेन्यू की, जो आठवां वेन्यू है टैंगटन ओवल लंदन में है ये मुकाबला, मैंने ये जो वेन्यू है लंदन में, एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 165 रन है, वन टॉस चूज टू बॉल फर्स्ट, यहाँ पर जो भी टॉस जीतेगी 99% वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनना पसंद करेगी, रीजन है यहाँ पर चेस करना थोड़ा आसान रहता है, देयर इज अ लो बाउंस ऑन दिस सरफेस, यहाँ पर लो बाउंस है थोड़ा सा, बल्लेबाज थोड़ा सा फंसता है स्पिन के अगेंस्ट, द स्पिनर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, देखो मैंने पहले बोला था स्पिनर के खिलाफ यहाँ पर बैट्समैन थोड़ा फंसता है। लास्ट पॉइंट है इसका, वी मे सी द पेसर यूज अ लॉट्स ऑफ स्लोअर डिलीवरी, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी फास्ट बॉलर है वो अगर स्लो डिलीवरी कराता है तो वो यहाँ पर कामयाब रहता है। तो ये मैंने आठों वेन्यू का आपका पिच रिपोर्ट बता दी। अब मैं आया हूँ एक मेन पॉइंट पर जिसके लिए आप पूरी वीडियो देखते हो, जो हमारी प्रेडिक्शन होती है कि कौन सी टीम एवरेज टीम होगी, कौन सी बुकी टीम, कौन सी पंटर टीम होगी, सारी चीज़ आपको बताई जाएगी हमारी इस प्रेडिक्शन में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंटर टीम के बारे में कि भाई इस बार की पंटर टीम कौन कौन सी है। पंटर टीम क्या होती है, वो होती है जो पंटर को सपोर्ट करती है, पंटर यानी आप और हम सब पंटर ही है, ठीक है ना। तो पंटर को सपोर्ट करने वाली टीम होती है यानी स्ट्रॉन्ग टीम होती है, तो इस बार की मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है लंदन और ट्रेंट और बर्मिंगम, इन तीनों टीमों के साथ आपको रहना है और बहुत संभल के रहना है, इन तीनों टीमों में से आपको दो टीम आपको टॉप फोर में भी मिलेंगी, ये मेरी अभी प्री प्रिडिक्शन है जो एडवांस प्रिडिक्शन होती है। अब बात करते हैं बुकी टीम की, इस बार की जो बुकी टीम रहेगी वेल्स फायर रहेगी, मैंने लास्ट ईयर भी बताया था वेल्स फायर को, जैसे मैंने बताया था वैसे ही हुआ था, नॉर्थर्न सुपर चार्जर भी रहेगी और ओवल ध्यान रखना ये कप विनर टीम है, लास्ट ईयर जीती है लेकिन मैंने इसे इस बार बुकी टीम में डाला है, कुछ रीजंस होंगे ठीक है ना, इसलिए डाला है। अगली बार आती है एवरेज टीम के बारे में,
अब आप सोचेंगे भी एवरेज टीम क्या है, तो एवरेज टीम वो टीम होती है जो मिली जुली परफॉर्मेंस करती है, 10 मैच हो रहे हैं तो 5 जीत जाएगी 5 हार जाएगी, मतलब एक एवरेज परफॉर्मेंस होती है। तो इस बार रहेगी साउथन ब्रेव और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, यानी इन टीमों से आपको जो ओकी टीम थी बच के रहना है, और ये टीमें एक एवरेज परफॉर्मेंस देंगी और जो ये ऊपर वाली है ये टॉप टीम रहेंगी। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और हैं, टिप्स क्या है थोड़ी पुरानी जानकारी देख लीजिए, जो क्रिकेट प्रेमी है सभी जानते हैं किस तरीके से रहा था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। देखो फर्स्ट एडिशन जो सीरीज स्टार्ट हुई थी 2021 में हुई थी, कब बिना रही थी साउथन ब्रेव, डीकॉक थे उस टाइम टीम में। फिर बात करते हैं सेकंड एडिशन 2022 की, ट्रेंड रॉकेट इसमें कब बिना रही थी। थर्ड एडिशन जो हुआ था 2023 में लास्ट ईयर हुआ है, इसमें ओवल ने जिताया, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि ओवल की टीम फाइनल जीतेगी, और तीनों ही बार ये अच्छा रहा है मुकाबला, इसमें से दो टीम एक टीम है मैनचेस्टर तो दोनों बार फाइनल में पहुंची है लेकिन जीत नहीं पाई है, ठीक है ना। अब 2021 के थोड़ा रिकॉर्ड देख लीजिए, 2021 के रिजल्ट क्या थे, 40% मैन डिफेंड हुए थे, 60% चेस हुए थे। 2022 में 47% डिफेंड हुए थे, 53% चेस हुए थे, यानी दोनों बार चेस का आंकड़ा थोड़ा सा ज्यादा था। लेकिन 2023 में सभी को हैरान कर दिया था 100 ने, 68% मैच यहां पर डिफेंड हुए और 32% सिर्फ चेस हुए, और कुछ मैचेस में खराब भी हुए थे 4-5-6 मैच बारिश की वजह से, ठीक है ना। तो ये बार बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया था। लेकिन 2024 की हमारी प्रिडिक्शन क्या कहती है, ये कहती है कि इस बार 40% के आसपास मैच डिफेंड होंगे और 60% के आसपास मैच यहाँ पर चेस होंगे, ठीक है ना। अब हमारा व्हाट्सअप नंबर सभी भाई लिख लीजिए, ये सर्कल बना दिया है मैंने, 84-47-93-53-97, मैं बार बार बोलता हूँ ये एक ही नंबर है हमारा, जब आपके सेव होगा आपके फोन में तो किसी ना किसी तरीके से आपके काम आ ही जाएगा ये नंबर। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर लो, किसी भाई को ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हम आपको वहां भी टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जो भी भाई लास्ट तक वीडियो देखे हैं, ठीक है ना, लाइक कर दें, कोई भी कमेंट कर दें पॉजिटिव पे कुछ भी लिख के, और सबसे जरूरी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।